श्री राम राघवन ने साल 2004 में मूवी एक हसीना थी से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में सैफ अली खान, उर्मिला मातोंडकर, सीमा विश्वास, आदित्य श्रीवास्तव, प्रतिमा काजमी और जाकिर हुसैन शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 4 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2007 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई जॉनी गद्दार। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, रिमी सेन, अश्विनी कालसेकर, नील नितिन मुकेश, जाकिर हुसैन, दयानंद शेट्टी और गोविंद नामदेव शामिल थे। नील नितिन मुकेश की ये डेब्यू मूवी थी। ये एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी थी। इस मूवी का बजट 7 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2012 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई एजेंट विनोद। इस मूवी के लीड कास्ट में करीना कपूर, सैफ अली खान, रवि किशन, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, रजत कपूर, आदिल हुसैन और राम कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 60 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 44 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 73 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2015 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई बदलापुर। इस मूवी के लीड कास्ट में वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यामी गौतम, हुमा कुरैशी, राधिका आप्टे, प्रतिमा काजमी, दिव्या दत्ता, कुमुद मिश्रा और अश्विनी कालसेकर शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 29 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 50 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 79 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2018 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई अंधाधुंध। इस मूवी के लीड कास्ट में तब्बू, आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे, अनिल धवन, जाकिर हुसैन और गोपाल सिंह शामिल थे। ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 17 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 73 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 93 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। 12 जनवरी 2024 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई मैरी क्रिसमस। इस मूवी के लीड कास्ट में कैटरीना कैफ, विजय सेतुपति, टीनू आनंद, विनय पाठक, संजय कपूर और राधिका आप्टे शामिल थे। ये एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। ये मूवी अभी ऑन स्क्रीन है। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको श्री राम राघवन की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। श्री राम राघवन की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।